देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,488 नए मामले सामने आए हैं। 314 लोगों की मौत हुई है। कृषि कानून वापस लेकर फिर पुनः कानून इस संबंध में अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो बनाया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये बात कही। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और उसकी सुरक्षा के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। जांबूगोड़ा में वन अधिकारी हरिंदर सिंह राउजी ने बताया कि वैध रूप से वन में आने वाले पर्यटकों को बीमा कवच दिया गया है। दिल्ली में जहरीली हवा की मार जारी है। आज भी गुणवत्ता में बेहद खराबी सामने आ रही है। दिल्ली और NCR में प्रदूषण को लेकर हालात नहीं सुधरे। दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आंध्र प्रदेश पे बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। पाकिस्तान के दक्षिण में स्थित बंदरगाह शहर कराची में शनिवार तड़के एक झुग्गी बस्ती में आग लग गई, जिसमें लगभग 100 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी। हालांकि घटना पर कोई भी हताहत नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ को तीसरी बार स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान मिला है। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम और भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत 66 पुरस्कार मिले हैं। राजस्थान में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को अशोक गहलोत सरकार में नए सिरे से टीम का गठन हो सकता है। सचिन पायलट के लोगों को भी इस पे जगह मिल सकती है। कृषि कानून बिल वापस लिए जाने के बाद राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह मुंडेरी ने कहा कि रिकेट कैद विदेशी ताकतों के संपर्क में है। कानून के खिलाफ मुट्ठी भर किसान आंदोलन में शामिल थे। रिकेट कैद की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली का दौरा करेंगी।